पीसीबी मुत्तहिदा अरब इमारात को मनाने में कामयाब। पीएसएल 6 के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। मैच 9 से 24 जून तक अबू धाबी में होंगे। फाइनल भी 24 जून को खेला जाएगा। भारतीय स्टाफ को भी अबू धाबी में काम की इजाजत मिल गई। मौलाना का पीटीएम से एक बार फिर इस्तीफों पर इसरार। कहते हैं इस्तीफे ना देना मौजूदा हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। पीडीएम हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद थी, रखना डालने का फायदा किसको हुआ? मौलाना गफूर हैदरी कहते हैं कि कोशिश है कि तरीन ग्रुप वोट ना दे तो बजट मंजूर नहीं होगा। बजट से पहले इत्तेहादी भी मुतहरिक, मुतालबात की फहरिस्त तैयार। एमक्यूएम पाकिस्तान ने वजीर आजम से मुलाकात का वक्त मांग लिया। बैठक कल मुतवक्के। सिंध के शहरी इलाकों में तरक्याती कामों, पानी और मुतहदा कौमी मूवमेंट को मजीद एक वजारत देने पर बातचीत होगी। वजीर आजम की अलीम अमीन गंडापुर, इमरान इस्माइल से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के बहरान पर बरहम। लाड़काना, जैकबाबाद और दीगर शहरों में मुजाहरे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि विफाक सिंध से ज्यादती कर रहा है। सिंध को हिस्से के 84 अरब कम दिए गए। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल नहीं हो पा रहे। आने वाले बजट में भी सिंध को नज़रअंदाज किया गया। कराची वालों से के इलेक्ट्रिक का अंधेरों की कीमत वसूल करने का फैसला। के इलेक्ट्रिक बिजली महंगी करने की दरख्वास्त लेकर नेपरा पहुंच गई। 15 जून को ऑनलाइन समाप्त होगी। वफाकी हुकूमत का के इलेक्ट्रिक को मजीद 200 मेगावाट बिजली देने का फैसला। 350 मेगावाट बिजली पहले ही दी जा रही है। फैसला कराची के शहरियों को लोड शेडिंग से निजात देने के लिए किया। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद असर का ट्वीट। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी कहते हैं पोजीशन हर मामले में कन्फ्यूजन का शिकार है। अपोजीशन पार्लियामेंट में आए और इंतखाबी इस्लाह समेत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे तो खुश आयन होगा। शहबाज गिल ने कहा कि करप्ट टोले की करप्शन की दुकानें बंद हो चुकी हैं। हुकूमती कामयाबियों से करप्ट टोला बेचैन है। खुर्शीद शाह अपने लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा बंद ना करें। बेहतर होगा कि हार्डशिप के नुक्ते पर पहले हाई कोर्ट से रजू करें। खुर्शीद शाह जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा फैसलों में ताखिर के जिम्मेदार मुलजिमान भी होते हैं। हर पेशी, हर एक मुलजिम इल्तवा मांग ले तो केस कैसे चलेगा? वकील ने खुर्शीद शाह दरख्वास्त वापस लेने और खुर्शीद शाह से मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। शुगर सब्सिडी स्कैंडल की तहकीकात जारी। यूनिस ढाका नैब रावलपिंडी में पेशी के बाद वापस चले गए। सावेक सेक्रेटरी तिजारत यूनिस ढाका से पूछ गछ की गई। चीनी की कीमतों से मुतालिक रिकॉर्ड भी पेश किया गया। आमदन से ज्यादा असासों का इल्जाम। लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर की उबूरी जमानत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी कर दी। दो रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत पर समाज से माजरत कर ली। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा जाति वजूहात पर बेंच ये केस नहीं सुन सकता। वैक्सीन ना लगवाई तो तनख्वाह बंद। सरकारी मुलाजमीन के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान। वजीर आला सिंह कहते हैं कि जुलाई की तनख्वाह से अमल दरामद होगा। मुल्क भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। वैक्सीन सेंटर्स पर नौजवानों का रश। असद उमर कहते हैं कि अब तक 25 करोड़ डॉलर्स की वैक्सीन खरीद चुके हैं। वैक्सीन लगवाएं चाहते हैं कि पाबंदियां जल्द खत्म हो। कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में 92 अमवात, 2028 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रही। और बारिश ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बद इंतजामी का पोल खोल दिया। बारिश और तेज हवा से छोटा तैयारा उलट गया। जहाज को जुजवी नुकसान पहुंचा। इमिग्रेशन हॉल की छत भी टपक पड़ी।